ऑल टाइम से ये तो सही नहीं, नहीं। नाजरीन आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट सर, नाजरीन आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं इंटाली कॉन्स्टिट्यूंसी के जनाब स्वर्ण कुमार शाह साहब, जो कि ये थर्ड टाइम यहाँ से कॉन्टेस्ट लड़ रहे हैं। आइए इनसे एक ख़ास मुलाकात में बात करेंगे। सर, जिस तरह से ममता बनर्जी ने आपके काम को देखते हुए, जिस तरह से आप ज़मीनी सतह पर काम कर रहे हैं, आवाम के बीच रह के, जनता के बीच रह के, और आपको टिकट दिया गया, आप कितना खुशी महसूस कर रहे हैं सर? देखिए, कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो या कैडर हो, उसको जब रिकॉग्निशन मिलते हैं काम लेके, काम सही करने से उसको रिकॉग्निशन मिलता, खुशी होता। हमको भी रिकॉग्निशन मिल रहा, हम चौथा दफ़े MLA इलेक्शन का नॉमिनेशन ले रहा। पहले दफ़े बोबाजार में हमको दिए थे, उसमें हम अच्छे रिजल्ट करके पब्लिक का सपोर्ट मिल के हम MLA बने थे। उसके बाद दो दफ़े हमारे इंटरली 2011-16 ये हम इधर कंटेस्ट किए हैं। ममता बनर्जी हमको उधर भेजे थे, आम पब्लिक के लिए काम करने का मौका दिए उन्होंने, और पब्लिक हमको विधायक बना के उन लोगों का संघ में मिल के काम करने का मौका मिला है। आपकी बार 2021 है, इसमें भी ममता बनर्जी सोची है कि नहीं इनको ही रखा जाए, तो हमको रखा, हम खुश हैं। ये हमारा तो जो काम, पब्लिक खुश है, हमारा लीडर भी खुश है, ममता बनर्जी जी खुश है, तभी ना दिया। तो हमको लग रहा है ठीक ठाक चलेगा। ममता बनर्जी फिर उनका भी हैट्रिक करना है, चीफ मिनिस्टर फिर से बना। सर, जिस तरह से अपोजिशन एक तरफ, ममता बनर्जी एक तरफ कॉन्टेस्ट लड़ रही है, और ममता बनर्जी का एक मास्टर स्टॉक 100 नए चेहरे, जिसमें 79 शेड्यूल कास्ट, 17 शेड्यूल ट्राइब्स, और जिसमें 42 मुस्लिम कैंडिडेट्स को लाया गया है, और उसमें फिर बाकी तमाम नए चेहरे हैं, क्या लग रहा है सर इस बार इनिंग कैसा होगा? 51 लेडीज भी कैंडिडेट बने। जी जी, ये भी सोचना चाहिए। ममता बनर्जी का नज़र हर हिस्से पर डाली है। हमारा ये जो है ना फूलों का गुलदस्ता है, सब लेके हमको एक सुंदर एक फूल का गुलदस्ता बना के कैंडिडेट बनाया है। कैंडिडेट अपने हिसाब से पब्लिक का सपोर्ट लेके जीत के आकर एक ऐसा माहौल बनाएगा जहाँ सेकुलर सोच के बाहर कोई सोच ही नहीं आएगा हमारा बंगाल का बसने वाला कोई भी इंसान को। ये ममता बनर्जी चाहती है, और ये हो भी रहा है, ऐसे ही माहौल हो रहा है। अभी जो ये सेकुलर सोच लेके नहीं चल के राजनीति करने चाह रहा है, वो लोग बंगाल में टिकेगा नहीं, उड़ जाएगा। सर, क्या लग रहा है कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा, जो 27 और 28 MLA सिटिंग MLO को जो टिकट्स कट किया गया, लेकिन उसके लिए एक रास्ता बनाया कि विधान परिषद में उनके लिए जगह बनाया जाएगा, इसके बावजूद भी वो लोग अपोज कर रहे हैं, ममता बनर्जी के खिलाफ बयान दे रहे हैं और BJP की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सोच लेकर चलना नहीं चाहिए किसी को भी। ममता बनर्जी कब किसी को कैसा पब्लिक के हित में पार्टी में लेकर काम करेगी उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानती है। तो ये जो कर रहा है गलत कर रहा है, आखिर में समझ भी जाएंगे लोग। जो दूसरा पार्टी का जाने का सोच ले रहा है दिमाग में, वो गलत हो रहा है। कहा जाता है सर कि बंगाल को बंगाल वाले बेहतर जानते हैं, और बंगाल वाले से बेहतर बाहर के लोग कोई भी अच्छी तरह से नहीं जान सकते हैं। तो ममता बनर्जी जिस तरह से बंगाल वालों के लिए काम कर रही हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बंगाल में बसने वाला खाली बंगला भाषी आदमी नहीं है, हर भाषा भाषी और हर कम्युनिटी, ये बंगाल में बसने वाला सब बंगाल की है। ये लोग आउटसाइडर नहीं, आउटसाइड वो है जो अभी इलेक्शन को टाइम में बाहर से आके बंगाल का हित में बोल रहा है, सुनार बंगला बनाएंगे, फलाना करेंगे, मगर ये सब बाहर का है। इधर का आदमी ये समझ लिया है, और वो लोग का बात पर कोई यकीन करेगा नहीं, ये बात हम लोग जानते हैं। क्या लग रहा है सर, जिस तरह से सोनाली गुहा वगैरह नाराज हैं, और बहुत सारे पार्टी के लोग भी नाराज हैं, तो उनको चाहिए कि वो दूसरी तरफ जाना चाहिए ना? जिस तरह से ममता बनर्जी ने हर कदम पे उनका साथ दिया है, अपने लीडरों के साथ रही है, अवाम के बीच डेवलपमेंट का काम किए, इसको देखते हैं क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? हम पैगाम तो ममता बनर्जी ने उनको सोची है, उनका शायद शुगर खूब हाई है, तो कुछ तो कारण होगा, ये उनको महसूस करना चाहिए था। ममता बनर्जी का साथ इतना दिन तक चलने वाला
रास्ता लेकर अभी रास्ता पलटना ठीक नहीं है। ममता बनर्जी का साथी रहना चाहिए। सर शुभिंदु अधिकारी और ममता बनर्जी का कॉन्टेस्ट एक उधर और एक देखा गया भरतपुर में, दो आईपीएस हुमायूं कमीर, भारती घोष, क्या लग रहा है सर जंग कैसा होगा? जंग जब के होगा मगर खेला कैमन होगा सर? खेला तो सुनो, खेला जंग जो है जंग के होगा मगर जीतेगा हमारा जोड़ा फूल ही दोनों जगह से। सर नेशनल इंटीग्रेशन पे क्या बोलना चाहेंगे जिस तरह से ममता बनर्जी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लेकर बंगाल में काम कर रही है? ये तो पूरे बंगाल जानती है और हिंदुस्तान का हर इंसान जानते हैं ममता बनर्जी सेकुलर सोच लेके कैसा काम कर रहा है और कामयाबी भी कैसा ला रही है बंगाल का डेवलपमेंट में। सर जिस तरह से इंटाली में आपने काम किया है, आने वाले इलेक्शन में जीतने के बाद और किस तरह से डेवलपमेंट करना चाहेंगे आप? डेवलपमेंट का कोई एम नहीं है, जितना भी डेवलपमेंट करो आगे चलते और दिखाई देगा कि और काम बाकी है। ये चलते रहेगा, ये सिलसिला डेवलपमेंट का सिलसिला चलते रहेगा और हम लोग भी डेवलपमेंट बढ़ाते चलते। सर जिस तरह से एक बार समय होगा, एक चीज देखा गया है सर, जिस तरह से तबरेज आलम 24/7 देखा जाता है कि कहते हैं कि अगर इंटालिक आपका काम बोलता है, सियासत में आपका काम बोलता है, सोशल एक्टिविटीज में आपका काम बोलता है, जिस तरह से सवर्ण कुमार साहा का अपना 24/7 काम कर रहा है उस तरह से उनका कार्यकर्ता तबरेज आलम यंग यूथ आइकॉन 59 वार्ड में काम कर रहा है शेख आलम के जो साहब जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में आप? हम तो पहले बोल चुके हैं ना, बोलिए ना सर। वो सुनो भाई, शेख आलम काम अच्छे से किए हैं, अभी उनका उम्र की वजह से जुबो में नहीं रह पाया, अभी उनको पार्टी उनका बेटा तबरेज आलम को प्रेसिडेंट बनाया यूथ का, तो अच्छा काम कर रहे हैं अब तक तो हम अच्छे ही देख रहे हैं, आगे चल तो और अच्छा होगा ये उम्मीद तो हम रखते हैं। और उसको भी हम एडवाइस देते हैं कि माथा ठंडा और पैर गर्म इलेक्शन का टाइम में रखना है, चलो ज़्यादा पैर गर्म करो मगर दिमाग और माथा ठंडा रखो। सर एक चीज़ देखा गया कि आपसे प्रेरणा लिया है तबरेज आलम ने, जिस तरह से स्पोर्ट है, हेल्थ हाइजीन है, ब्लड डोनेशन कैंप किया है, सर आने वाले दिनों में और किस तरह से उम्मीद रखते हैं तबरेज आलम से? ये सब चलते रहेगा, खाली इलेक्शन का पहले काम किया और नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा, वो आगे भी बहुत काम करने वाला। अब तबरेज आलम साहब हमारे बीच आ गए हैं, तबरेज आलम साहब स्वर्ण कुमार शाह साहब को ये तीसरी बार टिकट मिली है, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे आज आपने उनको मुबारकबाद देने आए पूरी टीम के साथ 59 वार्ड के साथ, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? जी देखिए, इस बारे में ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों के जो नेता है श्री स्वर्ण कमल शाह जी, वो उनको हम लोग मुबारकबाद देने आए हैं क्योंकि वो उस काबिल है, उन्होंने ये काम किया है और उन्होंने जो काम करके पिछले 10 सालों में दिखलाया है और तृणमूल कांग्रेस के अंदर उन्होंने जो भी अपना काम किया है इसमें कोई शक नहीं है कि वो जो है एक बहुत अच्छे मार्जिन से बहुत अच्छे लीड से जीतेंगे और हम लोग सब मिल के मेहनत कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को अगर कहेंगे तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि वो बहुत अच्छे वोट से जीतेंगे क्योंकि वो एक अच्छे नेता ही नहीं एक अच्छे बहुत अच्छे बहुत बढ़िया इंसान भी है। और ये बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि वो चाहे सियासती काम हो या चाहे किसी का पर्सनल काम हो, हर घड़ी हर लम्हे हर किसी के साथ खड़े रहते हैं, यही उनका सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है कि उनको जो है किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है या किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप में वो मैं कह सकता हूँ एक ही मैन है। वो जो है इंशाल्लाह आप देख सकिएगा, 2 तारीख को आप लोग देख लीजिएगा कि वो इतने मार्जिन से जीतेंगे कि मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर वो 294 सीट में से टॉप 10 के अंदर में रहेंगे इंशाल्लाह। आप बेस्ट विशेष क्या देना चाहेंगे स्वर्ण कुमार शाह सर को? देखिए मेरा विश देने से मेरा विश उनके साथ हमेशा है और पूरे 59 वार्ड का विश, पूरे इंटाली के हर एक बच्चे का, हर एक सीनियर सिटीजन का विश उनके साथ है। और उनका काम बोलता है, उनका काम 2016 में भी बोला था और उनका काम 2021 में भी बोलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और देख रहे हैं नाजरीन हमारे बीच स्वर्ण कुमार शाह साहब भी हैं, तबरेज आलम साहब 59 वार्ड के हैं। आप किस तरह से इन्होंने कहा कि अमन सुकून के साथ बंगाल में इलेक्शन होगा और तमाम लोग जो जिस कैंडिडेट को विन करना चाहते हैं करें, लेकिन सीएम ममता बनर्जी को जरूर जिताए ताकि वो अमन सुकून कायम कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल के फर्दर अपडेट्स के लिए बने रहें। मैं शमसुद्दीन लोकल जर्नलिस्ट से।